वेलकम टू speedlearning.com। आज हम लोग प्रोजेक्ट ऑप्शन के बारे में बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट के बारे में। कॉर्पोरेट जब भी आप करते हैं, आपकी सबसे बड़ी परेशानियां क्या है? एक सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि मैंने किसी सेक्टर की किसी स्टॉक में पोजीशन बना के रखी कॉर्पोरेट के कॉम्बिनेशन की, और दूसरे ही सेक्टर में मूवमेंट आ गया, या मुझे ऐसा लगा कि बाजार ऊपर जाएगा, निफ्टी ऊपर जाएगी, और निफ्टी वहाँ से लुढ़क के बिल्कुल नीचे आ गई। तो उन सब चीज़ों का जवाब ढूंढते हुए एक ऐसा प्रोजेक्ट हम लोग तैयार कर रहे हैं, एक ऐसा मेथड तैयार कर रहे हैं, जिसको आप पहले पेपर पे देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने से फ़ायदा कितना होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन आप सीखेंगे बहुत ज़्यादा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो तरीका क्या है इस प्रोजेक्ट में, इस मेथड में? सबसे पहले आप शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में जो सेक्टर बहुत अप ट्रेंड में चल रहे हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि अप ट्रेंड में चल रहे हैं लेकिन अभी नीचे हैं, अभी पिक पे नहीं है, इनका बढ़ना बाकी है, ऐसी चीज़ को आप चुने। दो सेक्टर्स के दो स्टॉक जिनमें गेन के चांसेस हमको ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको बहुत सारी वेबसाइट्स और टीवी चैनल वगैरह से भी कुछ कुछ इशारा मिल सकता है, नहीं तो हम अपने म्यूचुअल फंड होल्डिंग से तो देखते ही हैं। एक अच्छा तरीका है nsindia.com की वेबसाइट पर जब आप जाके निफ्टी, निफ्टी मिडकैप, निफ्टी जूनियर की गेनर्स देखते हैं, तो उन गेनर्स में ऐसी चीज़ को चुनिए जो जिसका 52-week हाई को ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ हो, इसका मतलब रिसेंटली उसने हाई भी तोड़ा है और 30 days के परसेंटेज चेंज में वो माइनस है, मतलब अभी शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में है लेकिन फिलहाल पिछले महीने भर से नीचे है, तो आगे उसके ऊपर जाने के, तेज़ी से ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आपने ऐसे दो स्टॉक देख लिए, सपोज़ अभी ITC और सन फार्मा, ये मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ये चीज़ें हम बदल सकते हैं अपने स्टडी के आधार पर। तो ITC, सन फार्मा, हमने दो गेनिंग सेक्टर के दो गेनिंग स्टॉक्स ले लिए। फिर लूजिंग स्टॉक्स में हमने देख लिया कि GMR इंफ्रा या DLF है, कोई ऐसी चीज़ आप देख लीजिए जो वीक ट्रेंड में है लेकिन अभी पिछले महीने में थोड़ा बढ़ के ऊपर आ गई है, फिर नीचे जा सकती है, तो उनको हम लोग ले सकते हैं लूजिंग स्टॉक्स में। अब इनका कॉम्बिनेशन बनानेंगे, जो गेनर्स हैं उनका बड़ा कॉल और कंपेरेटिवली छोटा पुट खरीद के रखा, डेट वाइज रिकॉर्ड रख रहे हैं। सन फार्मा का जैसे 20 rupees का कॉल है तो 10 rupees का पुट है प्रीमियम में, ज़्यादा दूर के नहीं लेंगे हम, लगभग मोस्ट एक्टिव कॉल पुट का कॉम्बिनेशन ही रखें, या हो सके तो एट द मनी कॉल पुट का ही कॉम्बिनेशन रखें तो भी कोई बुरा नहीं। फिर दूसरा हम ये देखते हैं आपको सन फार्मा के बाद में रिलायंस इंफ्रा, इसका बड़ा कॉल छोटा पुट या एट द मनी कॉल पुट। तो DLF का जो लूज़र है उनका बड़ा पुट छोटा कॉल, GMR इंफ्रा का बड़ा पुट छोटा कॉल। अपडेट वाइज हम उसका रिकॉर्ड रखना शुरू करते हैं, तो हमने लिखा 4th March को आप पुट उसकी एंट्री करें, 4th March ये कॉल एंड पुट का प्लस क्या आ रहा है, और साथ में नीचे ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं कि ये जो शेयर है ये परसेंटेज चेंजेस का कितना हुआ। सन फार्मा या ITC उस दिन आपको लगा 2.5% प्लस हुआ, तो आप इसको ग्रीन कलर से या ब्लू कलर से जैसा भी आप लिख रहे हैं प्लस 2.5%, अगर माइनस हुआ है तो -2% लिख दीजिए यहाँ पे। कॉल प्लस पुट का टोटल आप लिख दीजिए उसमें, कॉल प्लस पुट का टोटल लिख दीजिए, और उसको लगातार आगे 12 तारीख 15 तारीख तक टोटल देखते रहें क्या रिजल्ट आता है, और साथ में निफ्टी कहाँ जा रही है निफ्टी को भी ऑब्जर्व करते रहेंगे, तो हमको पता लगेगा। इसमें इस तरह के सिस्टम में हम 1 lakh rupees या 1.5 lakh rupees इन्वेस्ट करके 15-20% का प्रॉफिट भी देख सकते हैं, हमें इसको देखना है। थैंक यू, बाय।